हम सब द्वारा बहुत ही बढ़िया काव्य गोष्ठी का आयोजन, इस तरह का हमारा पहला आयोजन, और वही सुपर डुपर हिट दादा से लेके पोता पोती द्वारा सभी ने अपनी प्रस्तुति देने का जो हमने ये कार्यक्रम किया है, मैं समझता हूँ कि अपने आप में पूरी दुनिया के लिए एक अनोखा कार्यक्रम आयोजन है। हमारा एक छोटा सा प्रयास हमारे परिवार से होता हुआ साहित्य समाज को एक दिशा प्रदान करेगा, इसके लिए हम सभी बधाई के पात्र हैं। बोर्ड साहब, बबलू भाई ने मेरे जिम्मे लगाया कि मैं समीक्षा करूं। समीक्षा कोई औपचारिकता नहीं है, हर कोई चाहता है कि मेरे जो विचार कहे हैं वो अच्छे हैं बुरे हैं कैसे हैं सभी को पता चले, और हमें आप एक दूसरे का मनोबल तो बढ़ाना ही चाहिए, और बड़े से बड़ा कभी भी अपनी कही बात पर तालियां चाहता है। ये तालियों की आवाज हमें और अच्छा लिखने के लिए प्रेरित करती है, और किसी को प्रेमचंद, किसी को खयाम और किसी को शेक्सपियर बनाती है। आप सभी से जो प्रतिक्रियाएं मिली हैं उन्हें मैं समीक्षा के तौर पर रखता हूँ। सबसे पहले संस्कृति गोल्ड यानी सोना, इस काव्य गोष्ठी की सबसे कम उम्र की कवियत्री ने कमाल कर दिया है। उसकी कविता जीवन लक्ष्य की स्पष्टता और लक्ष्य की ओर दृढ़ता उन्हें वीरता से आगे बढ़ना बताती है। बहुत आशीर्वाद बेटा सोना, संस्कृति बहुत आशीर्वाद बेटा, मेरे दादा जैसा महान कौन कहाँ होगा। एंजल, एंजल एक अच्छी चित्रकार तो है ही, भावनाओं की अभिव्यक्ति भी उसे अच्छी आती है। बहुत सुंदर कविता बेटे एंजल, खूब तरक्की करो। एक हाथ में था बंदूक, हथेली पर रख अपने प्राण, रहरी खड़ा है सीमा पर राष्ट्र ध्वज का रक्ता महान। प्रकृति के इन सब तत्वों को प्रहरी साधारण लगता है, इनको यह मालूम नहीं प्रहरी से यम भी डरता है। वाह अभिषेक, मैंने तुम्हें पहले भी सुना है, तुम देशगान बहुत सुंदर करते हो। तुम्हारी ये कविता कॉलेज स्तर पर विश्वविद्यालयों में पढ़ाने लायक है, बहुत सुंदर। शैली, शैली ने तो हम सभी के बचपन के पड़ों को तादा कर दिया है। वो कागज की कश्ती, वो छत पर लेटकर तारे गिनना, चांद चाहत चांद को पाने की, पर दिल तो तुझे सा दीवाना था। बहुत बढ़िया बेटे शैली, आप बहुत ही अच्छा लिखती हो और आपकी प्रस्तुति भी बहुत अच्छी है। नीलम, नीलम की कविता मायका एक कविता नहीं एक चलचित्र है। मेहमान हूँ, मेरा बैग मुझे चिढ़ाता है, माँ का हो जाते हुए कहना अपना सामान पैक कर लो, तुम्हारा हमेशा कोई ना कोई सामान छूट ही जाता है। इसमें उसने सभी बहन और बेटियों के मायके के प्रति उनके स्नेह, अपनों के प्रति प्यार, दर्द और परिवार से विरह की वेदना को बखूबी बयां किया है। बहुत बढ़िया नीलम, एक बहन और बेटी के तरफ को इतनी खूबसूरती से महसूस कराने के लिए बहुत सुंदर। गोड साहब, बबलू भाई की कविता झाड़ एक उस तरह की कविता है जिसमें माँ की खाली मिट्टी झाड़ने और धूप मारने से ही बच्चे की सारी चोट प्रभु चक्कर हो जाती है, और शायद हम सभी ने बचपन में इसी झाड़ फूक से कभी न कभी इलाज जरूर कराया होगा। माँ की ममता का बहुत ही सुंदर वर्णन भाई नरेंद्र गोर द्वारा। आदरणीय नरेश भाई ने अपनी कविता से हमें इस कलयुग और भौतिकतावादी युग में भी सतयुग के दर्शन करा दिए। जब सारा विश्व कोरोना जैसी इस महामारी से जूझ रहा है, तब अपनी सकारात्मक सोच से हमें एक नई प्रकृति के साथ एक नया आसमां, एक नई दुनिया दिखाई है, और नरेश भाई से हम यही अपेक्षा करेंगे, उनकी प्रेरणात्मक विचारों से वो हमें हमेशा ही अवगत कराते रहे। गोहाना वाली चाची जी का वजन मैं
मेरी भव सागर से पार नाव, नाव तुम कैसे तारोगे। बहुत ही सुंदर भजन, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। बाबूजी ने मुझे बताया कि तेरी माँ और मेरी शादी को 60 साल बीत गए, और ऐसा कम होता है कि शादी के बाद इतने साल कोई साथ साथ रहते, और शायद बाबूजी ने इसीलिए अपनी प्रस्तुति में अपनी जीवन साथी यानी हमारी माँ को चुना। बाबूजी जो अपनी बात रखते हैं उसमें एक दूरदर्शिता हमेशा ही रहती है। अंत में मैं सभी को एक बार फिर से बधाई देता हूँ, सभी से बड़ों से आशीर्वाद लेता हूँ, और छोटों को आशीर्वाद देते हुए उनसे अपेक्षा करता हूँ कि वे अपनी लेखनी और चेतना को रुकने नहीं देंगे। तो जल्द ही मिलते हैं एक नए विषय और एक नई प्रस्तुति के साथ नारायण निकेतन चैनल पर।